हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक ठाकुर और आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको अरुणाचल प्रदेश में होने वाली इंडियन आर्मी की ओपन भर्ती के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें मैं बताऊँगा आपको कि आपकी एज होनी चाहिए, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कब से कब तक इस भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको ये सारी जानकारी मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस जो चैनल पे आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो में सबसे पहले बता दूं, भर्ती है एआरओ जोरात की, एआरओ जोरात ऑफिस की ये भर्ती है। तो एआरओ जोरात ऑफिस जो है ये भर्ती कंडक्ट करेंगे। और ये भर्ती किनके लिए है, तो अरुणाचल प्रदेश की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सारी डिस्ट्रिक्ट के लिए ये भर्ती कंडक्ट की जाएगी। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में जितने भी कैंडिडेट होंगे जो इस भर्ती में पार्ट लेना चाहते हैं उनके लिए ये भर्ती है। तो अरुणाचल प्रदेश के जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो जीडी ट्रेड, टेक्निकल ट्रेड, क्लर्क और ट्रेडमैन के लिए भर्ती देखना चाहते हैं वो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की जो डेट शुरू हो रही है वो हो रही है 4 जनवरी 2020 से, और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 16 फरवरी 2020। तो अरुणाचल प्रदेश के जितनी भी डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए ये भर्ती है और ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी 16 फरवरी 2020 तक। और भर्ती होगी 3 मार्च 2020 को शुरू और ख़त्म होगी 7 मार्च 2020 को। भर्ती का जो वेन्यू रहेगा जहाँ पर यह भर्ती होगी, तो ग्राउंड जो होगा वो होगा जयरामपुर में। तो अरुणाचल प्रदेश में जो जयरामपुर जगह है वहाँ पे ये भर्ती कंडक्ट की जाएगी। अब बात करते हैं कौन कौन से ट्रेड के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले अगर एज की बात करें तो जीडी के लिए आपकी एज 17.5 से 21 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2002 के बीच में होनी चाहिए। और बाकी टेक्निकल ट्रेड के लिए, क्लर्क ट्रेड के लिए और ट्रेडमैन के लिए आपकी एज 17.5 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 1 अक्टूबर 1996 से 1 अप्रैल 2002 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए। अब अगर हाइट, वेट और चेस्ट की बात करें तो आपकी हाइट होनी चाहिए जीडी के लिए 160 सेंटीमीटर, 48 kg वेट एंड 77 सेंटीमीटर चेस्ट। टेक्निकल के लिए बात करें तो 157 यानी कि 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 48 kg वेट एंड 77 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट। और क्लर्क और ट्रेडमैन के लिए 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट, 48 kg वेट एंड 77 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। अब अगर बात करें इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपकी, तो जीडी के लिए आपकी जो है 10th पास होनी चाहिए। 10th में आपके टोटल मिनिमम 45% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स। टेक्निकल के लिए 10+2 पास होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश के साथ। टोटल परसेंटेज 50 होनी चाहिए 10+2 की, और हर एक सब्जेक्ट में 10+2 में आपके 40% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। क्लर्क के लिए 10+2 आप पास होने चाहिए आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस में किसी एक में। टोटल परसेंटेज 10+2 में 60% और हर एक सब्जेक्ट में 50%। और आपने इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए जिसमें आपके 50% मार्क्स हों, और मैथ्स या फिर अकाउंट्स या फिर बुक कीपिंग, इन तीन में से भी कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए 12th क्लास में, और उसमें भी आपके 50% मार्क्स जो हैं वो कंपलसरी हैं। अब अगर बात करें ट्रेडमैन के लिए, तो ट्रेडमैन के लिए अगर आप 10th पास हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर 8th पास हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 8th और 10th दोनों के लिए ट्रेडमैन की वैकेंसीज होंगी। अब अगर बात करें आपके लिए स्पेशल स्टैंडर्ड्स किन के लिए रखे गए हैं, तो जो लद्दाखी होंगे उनके लिए हाइट रखी गई है 157 सेंटीमीटर, चेस्ट 50 और वेट और सॉरी हाइट रखी गई है लद्दाखी के लिए 157 सेंटीमीटर, चेस्ट जो रखा गया है वो रखा गया है 77 सेंटीमीटर और वेट रखा गया है 50 kg। और गोरखाज बहुत नेपालीज और इंडियन होंगे उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया जो है वो रखा गया है, एक वेट को छोड़ के वेट में उनके लिए रखा गया है 48 kg। बात करें अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सबसे पहले आपका होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट जिसमें आपकी 1600 मीटर की रनिंग होगी। मैक्सिमम टाइम उस रनिंग के लिए दिया जाएगा 5 मिनट 45 सेकेंड का। फिर होंगे आपके पुलअप्स जिसमें 6 करना कंपलसरी है, 9 फीट डिच होता है उसके बाद, और लास्ट में जिगजैग बैलेंस जो इसको क्लियर कर जाते हैं उनका बाद में होता है फिजिकल मेजरमेंट। उसके बाद आपका होगा मेडिकल टेस्ट जो मेडिकली फिट होंगे उनका लास्ट में आपका कंडक्ट किया जाता है रिटन एग्जामिनेशन जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी की जाती है। तो ये रहेगा आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। अब जब आप ग्राउंड के लिए जाएंगे, जब आपकी रनिंग होगी, फिजिकल जब आपका होगा, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं,
तो डॉक्यूमेंट्स में आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है, फोटोग्राफ की 20 कॉपीज़, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, कास्ट, रिलीजन, स्कूल कैरेक्टर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, एनसीसी वालों के लिए एनसीसी, स्पोर्ट्स वालों के लिए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, एफिडेविट जो कि 10 रुपये के नॉन जुडिशल स्टैम्प पेपर पे आपको टाइप करवा के नोटरी से अटेस्ट करवा के लेके जाना होता है, और जो सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड भी लेके जाना है। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपीज़ के साथ आपको 2 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ भी लेके जानी है। अब अगर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, किसी भी स्टैंडर्ड की जानकारी चाहिए हो, कोई छूट की जानकारी चाहिए हो, कितने नंबर, मतलब इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तो इनके नंबर यहाँ पे दिए गए हैं जिन पे कांटेक्ट करके आप कोई भी जानकारी जो है ले सकते हैं। ये 2 नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, इन 2 नंबर में से किसी एक पे भी आप कॉल करके सारी जानकारी जो है ले सकते हैं। तो ये था गाइस आज की इस वीडियो में, आई होप आपको सारी जानकारी अच्छे से क्लियर हो चुकी है। डाउट्स बचे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और इस तरह की वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।